मंच पर उपस्थित कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम वजूभाई वालाजी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्रीमान मंगेश भेंडे जी, मेरे मित्र और भारत सरकार में मंत्री श्री अनंत कुमार जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान येदियुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक यूनिट के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जी एम सिद्धेश्वरा जी, यहां मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी से है मगर जगन्नाथ राव जी को श्रद्धा सुमन देने आए हैं एसएसरी बीआर यावगल जी, श्री जगदीश सिट्टार जी, यहाँ के सांसद श्री पीसी गद्दीकोड़ा जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, जगन्नाथ राव जोशी प्रतिष्ठान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और आज इस विशाल संख्या में जगन्नाथ राव जी को श्रद्धांजलि देने हुए आए प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज का दिन भारत के लिए और विशेष करकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ही के दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है। बंगाल में जन्मे हुए श्यामा प्रसाद जी ने जनसंघ बनाने के बाद कश्मीर को मुद्दा बनाकर, कश्मीर की समस्या को मुद्दा बनाकर एक आंदोलन का नेतृत्व किया और कश्मीर की जेल में उनकी जान गई। श्यामा प्रसाद जी ने एक नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और अगर आज कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है, इस देश का अटूट हिस्सा है, तो मैं मानता हूं कि इसकी नींव में श्यामा प्रसाद जी का बलिदान ये उसकी नींव। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज भी जब श्यामा प्रसाद जी के बलिदान को याद करता है तो गदगद होकर, नतमस्तक होकर उस देशभक्त को श्रद्धांजलि देता है। आज मैं भी इस मंच के माध्यम से वो अमर हुतात्मा को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और आज का ही दिन भारतीय जनसंघ के ही स्थापक सदस्य कर्नाटक केसरी श्रीमान जगन्नाथ राव जी का जन्मदिन है और मेरा सौभाग्य है कि जिस मिट्टी में जगन्नाथ राव जी ने जन्म लिया उसी मिट्टी पर रहकर आज उनकी स्मृति में एक जो यहाँ पर स्मारक बना है उसका उद्घाटन करने का मुझे लाभ मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। आज उनके जन्मदिन पर भी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, ये नरगुण की जमीन पर जन्मे हुए एक बालक जगन्नाथ ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यक्ति निर्माण की जो पद्धति है वो व्यक्ति निर्माण की पद्धति में बड़े बचपन से जुड़ते जुड़ते देखते देखते ये बालक जगन्नाथ कर्नाटक केसरी कब बन गया किसी को मालूम भी नहीं। जब देश आजाद हो रहा था उस वक्त देश जरूरत थी देश को, देश के लिए शहीद होने
छाती खोलकर गोलियों का स्वागत किया और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मगर जब देश ने आजादी प्राप्त कर ली, जब जरूरत थी देश के लिए जीने वाले लोगों, जो अपने जीवन में अपना विचार न करे, अपने परिवार का विचार न करे, अपने आसपास के दोस्तों का किसी का विचार न करे, पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दे, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत माता को समर्पित करने वाले लोगों की जरूरत थी। उस वक्त ही जगन्नाथ राव जी राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक बन के संघ के काम में जुड़ गए और देश की आजादी के तुरंत बाद, जब देश अभी बना ही था, 1951 में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और नई सरकार ने इस देश की नीतियां बनाने की शुरुआत करी। तब देश के कई लोगों को लगा, कई चिंतकों को लगा कि देश गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर जवाहरलाल जी ने जो शुरुआत की है उस रास्ते पे अगर देश गया तो ये देश भटक जाएगा। उस वक्त कांग्रेस का सूर्य मध्याह्न था, जवाहरलाल जी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई पार्टी का अस्तित्व भी हो सकता है। उस वक्त 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 10 युवाओं ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उसमें जगन्नाथ राव भी थे। और स्थापना करने के पीछे कोई ऐसा विचार नहीं था कि जनसंघ कभी एक एमएलए एमपी की भी सीट जीत पाएगा। उनके मन में तो एक ही विचार था कि देश की नीतियां जो बन रही है उसको एक अलग दिशा देनी चाहिए, ये देश की नीतियां जो बन रही है एक नया विचार उनके सामने रखना चाहिए। इस देश की कृषि नीति बन रही है तो इस देश की मिट्टी की सुगंध इस देश की कृषि नीति में होनी चाहिए। इस देश की विदेश नीति बननी है तो इस देश के सालों के गौरव को जागृत कर विश्व में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने वाली विदेश नीति बननी चाहिए। इस देश की रक्षा नीति अगर बननी है तो शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के सिद्धांतों के आधार पर। इस देश की शिक्षा नीति अगर बननी है तो गुरु शिष्य परंपरा की उच्च भावनाओं के अनुरूप शिक्षा पद्धति इस देश की नींव रखनी चाहिए। एक विचार लेकर 10 युवाओं ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उसमें जगन्नाथ राव भी थे। और स्थापना करने के बाद जगन्नाथ राव जी ने कभी पीछे नहीं देखा, पूरा जीवन 1951 से लेकर अंतिम सांस तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए खर्च कर दिया। और इसके पीछे कोई ना पद की अपेक्षा थी ना कोई सम्मान की लालसा थी, केवल और केवल भारत माता के चरणों में एक पुष्प बनकर बलि चढ़ जाने की भावना से ये महान व्यक्ति ने पूरा जीवन काम किया। और आज इसी का नतीजा है कि कोई पद पर न रहते हुए जगन्नाथ राव जी का नाम दे देते ही किसी ने देखा हो या न देखा हो, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता है जिन्होंने जगन्नाथ राव जी के साथ काम नहीं किया, मगर कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर द्वारिका तक पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जगन्नाथ राव जी का नाम देते हैं तो उसमें से प्रेरणा लेकर नतमस्तक होते हैं। ये जीवन इस किस तरह से जिया जाए, भारत माता की सेवा में किस तरह से जीवन अर्पण कर सकते हैं, इसका एक विनम्र प्रयास जगन्नाथ राव जी ने किया था और कुछ बोले बगैर किया था। मित्रों, जगन्नाथ राव जी ने अपने जीवन में भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए बहुत काम किया। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की कि 1951 से लेकर 2015 तक जितने भी कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहा है उनकी जीवनी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है। हर प्रदेश के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के लेखन का काम लिया है। मेरा हर प्रदेश में दौरा हुआ है, मैंने कई कार्यकर्ताओं को अपील की कि आपके पास जितने भी पुराने फोटो हो, चाहे श्यामा प्रसाद जी के हो, दीनदयाल जी के हो,
कुशाभा ठाकरे को, सुंदर सिंह भंडारी के हो, राजमाता सिंधिया के हो, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जी, किसके भी फोटो हो वो भेज दीजिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे ही प्रांत से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कच्छ से फोटो भेजी है। मैं कुछ दिनों के बाद वो फोटो कर्नाटक के अखबारों को जरूर भेजूंगा। मध्याह्न में सूर्य है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, इतने भारी शरीर के साथ सर पर फटका बांधकर 5-6 इंच पैर जमीन में घुस जाए, इतनी रेत में, इतनी मिट्टी में जगन्नाथ राव कच्छ को बचाने के लिए, कच्छ सत्याग्रह के लिए कच्छ की सरहद पर खड़े हुए दिखाए। कार्यक्षेत्र कर्नाटक रहा, पुणे में पढ़ाई हुई और बाद में जिम्मेदारी भी दक्षिण की मिली, मगर कच्छ की धरती को बचाने के लिए एक कर्नाटक का केसरी कच्छ के सरहद पर जाकर अपने जीवन का दाव लगाता है। इस तरह से काम करने वाले लोगों ने अपने जीवन में हमारे लिए प्रेरणा का काम किया है। गोवा के सत्याग्रह में सिर्फ 35 साल की उम्र में उन पर भरोसा कर भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनसंघ की टुकड़ी का नेतृत्व करने का काम जगन्नाथ राव जी को दिया था। और वहां पर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह तरीके से काम आगे बढ़ता था, मगर पोर्टुगीज शांति को नहीं मानते थे। गोवा के जितने भी सत्याग्रही गए थे उन पर दमन हुआ, उनको कुचलने का प्रयास हुआ, उनके हौसले को तोड़ने का प्रयास हुआ, और जगन्नाथ राव जी जनसंघ का नेतृत्व कर रहे थे, उनको भी पकड़ लिए गए, 200 आंगलियों के नाखून मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिए। कल्पना करिए, नेल कटर से नाखून काटते वक्त थोड़ा ज्यादा कट जाता है तो भी चीख निकलती है, जब 200 उंगलियों के नाखून खींच लिए गए होंगे तब क्या हुआ। और उसके बाद भी जब उनको कोर्ट के समक्ष लिया गया, ले जाया गया, पोर्टुगीज मानते थे जगन्नाथ राव जी की हौसला टूट गया होगा। जब जज ने पूछा कि परमिट के बगैर आप यहां कैसे आ गए, गोवा में जाने के लिए पहले परमिट लेनी पड़ती थी, परमिट के बगैर जगन्नाथ राव आप गोवा में कैसे आ गए, तब ये नरकेसरी ने कहा था, परमिट की जरूरत आपको है, ये गोवा मेरी मातृभूमि है, आपको परमिट लेकर आना चाहिए था, यहां रहना मेरा जन्मजित अधिकार। और उसी दिन से पूरे देश ने उनको कर्नाटक केसरी का खिताब दिया। आज भी लोग उनको कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी कर याद। और मित्रों, राष्ट्रपति से मिले हुए मेडलों से पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब का बहुत महत्व है, मगर देश की जनता जो नाम देती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। गांधी जी को महात्मा बना दिया, सावरकर के सामने वीर सावरकर लिख दिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामने लोकमान्य लिख दिया, और जगन्नाथ राव जी के सामने कर्नाटक केसरी लिख दिया। और कर्नाटक के नाम को इन्होंने पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध किया। मित्रों, बहुत सरल इंसान थे मगर ओजस्वी वक्ता थे, सादे सीधे तरीके में लोगों को हंसाते हंसाते अपना विषय रखने का जो गुण जगन्नाथ राव में था वो शायद ही किसी में देखने को मिलेगा। सूझबूझ और विनोदप्रियता के कारण वो बहुत लोकप्रिय थे और संगठन के काम में उनको बहुत, इसके कारण उनकी स्वीकृति बहुत बड़ी हुई थी। मित्रों, जगन्नाथ राव जोशी और ऐसे कई कार्यकर्ता जो मूल संघ की विचारधारा से निकले, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, आज तो हम देखते हैं सादगी का मार्केटिंग हो रहा है ना, सादगी का मार्केटिंग। मगर एक पीढ़ी ऐसी थी जिनका ना वंश रहा, ना मरते दिन तक बैंक अकाउंट खुला, ना घर बना, ना कार रहा, कुछ नहीं रहा, पूरा जीवन कार्यकर्ताओं के साथ हद से खेलते बिता दिया। इस प्रकार की एक उज्ज्वल परंपरा वाली पीढ़ी के ये वाहक थे और उन्हीं सब तपस्वियों के कारण आज
देश में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने तो किया राष्ट्रवाद के लिए काम, मगर उसका परिणाम यह आया कि भारतीय जनता पार्टी वो 10 सदस्यों से जो शुरू हुई थी वो आज 10 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी बन गई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को एक संसद सदस्य चुनने के लिए बहुत परिश्रम पड़ता था, वो भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में शासन कर रही है और नरेंद्र भाई उसके प्रधानमंत्री के नाते काम कर रहे हैं। जगन्नाथ राव जी जैसे अनेक मनुष्यों ने जिस प्रकार की सरकार की कल्पना की होगी, इस प्रकार की सरकार देने का काम हमने किया है। अभी योग दिन में आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति का ध्वज पूरी दुनिया में यशस्वी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सालों से अपने ऋषियों और मनीषियों ने एक विज्ञान विकसाया था, मगर वो भारत की सीमाओं तक बंद कर रह गया था। आज वो हमारा विज्ञान निरामय जीवन का, दवाई वगैरह के मनुष्य के जीवन की कल्पना जहां नहीं हो सकती, ऐसे देशों में भी योग को पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या किसान को मदद पहुंचाना हो, देश का विकास करना हो या युवा को रोजगारी देनी हो, देश की शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाना हो या गरीबी उन्मूलन का काम करना हो, हर क्षेत्र में ये सरकार ने एक अच्छी काम एक साल के अंदर किया है। और मैं मानता हूं कि जगन्नाथ राव जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि देश भर में उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जितने कार्यकर्ता समाज जीवन के जो कोई भी संगठन में बैठे हैं, चाहे वो संघ परिवार में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो या अन्य किसी राजनीतिक दल में हो, जिनके विचारों पर जगन्नाथ राव जी के विचारों का जीवन का प्रभाव है, उन्होंने इसी दिशा में काम कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये राजनीतिक मंत्री नहीं है, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ करूंगा नहीं, मगर मैं आज फिर से एक बार यहाँ ये जो स्मारक समिति है उसका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में उन्होंने जगन्नाथ राव जी के जन्म स्थली के साथ जोड़ने का एक मौका दिया और मुझे भी आज इस स्थान से चेतना प्राप्त हुई है। मैं मानता हूँ कि जगन्नाथ राव जी का जीवन सालों सालों तक अनेक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और उसी दिशा में काम करते करते कई कार्यकर्ता एक साथ काम कर इस भारत माता को फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करने का काम करेंगे। फिर से एक बार मैं स्मारक समिति का धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।